वन परिषद दमोह के ग्राम हथनी के जंगल स्थित स्थान पर वन विभाग द्वारा अनुभूति कैंप के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें ग्राम कोटातला और मारुताल हायर सेकेंडरी के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों ने जंगल भ्रमण कर पर्यावरण को करीब से जाना। वन परिषद अधिकारी ऋषि कुमार प्रजापति ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के इको पर्यटन विकास विभाग भोपाल के निदेशन एवं वन मंडल अधिकारी महंत से ओहिके के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं को अनुभूति शिविर के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता एवं वनों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वन अधिकारी शिक्षक की भूमिका में नजर आए और उन्होंने बच्चों को विभिन्न जानकारियों से अवगत किया। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। इस बात की चर्चा आज जो सीखा है उसकी चर्चा करना है कि कैसे क्या हम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही शपथ मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ मैं बना वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं अपने घर एवं खेत में वृक्ष लगाऊंगा। लोगों को भी वृक्षारोपण, अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगी। वन एवं वन समिति से हूँ मैं और अनुभूति के मामले में विषय जहाँ तक आता है कि 2017 से अनुभूति रेगुलर चल रही है और इसमें वन विभाग को जो है ना अच्छी सफलता मिली है। अनुभूति हमारे मध्य प्रदेश वन विभाग एवं इको पर्यटन विकास बोर्ड के दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये अच्छी सफलता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हमारे वन विभाग के हमारे जंगल से लगे हुए ग्रामों से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ना, हम उन्हीं को उस अनुभूति कार्यक्रम में लेते हैं जिससे कि उनको अनुभव हो कि हमारे जंगल कैसे रहते हैं, हम जंगल को कैसे बचाएं और जंगल की जो है ना हम अनुभव कैसे करें और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ में हमारा तालमेल कैसा हो। अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश वन विभाग की ओर से हर साल आयोजित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों के लिए पर्यावरण संबंधित ज्ञान और जो आगामी भविष्य में जो भी पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं उन पे चर्चा करना रहता है, उनको संबोधन करना रहता है और उनको ज्ञान दिलाना रहता है। इस उद्देश्य से हम बच्चों को, स्कूली बच्चों को इस अनुभूति कार्यक्रम में शिरकत कराने के। आप यहाँ हथनी में जो कार्यक्रम रखा गया, इस हथनी का भी भ्रमण कराएंगे क्या? जी, हम करीब 1 से 1.5 किलोमीटर हथनी जो नर्सरी है उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं और वृक्ष तो और पक्षी जो है उनका हम ज्ञान दिलवाएंगे बच्चों को। वृक्षों में समझाएंगे कि किस प्रकार के वृक्ष होते हैं? वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, उसमें क्लासिफाइड होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी टाइप में, और कई प्रकार के होते हैं। सागौन रहता है, साल रहता है, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तो बच्चों को उनके बारे में ज्ञान दिलवाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार प्रजापति है,